बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना ने पूरे देश को कैद करके रख दिया है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा रुक नहीं रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6039 हो गई है, जबकि अब तक 206 लोगों की जिंदगी कोरोना छीन चुका है। इस बीच पिछले 24 घंटे में देश भर में 16,000 टेस्ट हुए हैं, इनमें 320 ही संक्रमित पाए गए हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने व जागरूक रहने की जरूरत है। उधर कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए पंजाब ने लॉकडाउन की अवधि 1 मई तक बढ़ा दी है। खास बात यह है कि पंजाब वह पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन के दौरान ही प्रदेश में कर्फ्यू लगाया था। देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। उड़ीसा भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा चुका है। लॉकडाउन के अभी 4 दिन शेष है, लेकिन अधिकांश राज्यों का दबाव इसे बढ़ाने का PM नरेंद्र मोदी पर है। इस बीच आज मेरठ जिला कारागार में सैनिटाइजेशन गैलरी बनाई गई। इसमें से गुजरने वाला हर शख्स खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाएगा। आज जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने इसका शुभारंभ भी किया। देखते हैं क्या बता रहे हैं DM अनिल ढींगरा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 जो है पूरे प्रदेश लेवल पे, वैसे हमारे जनपद में भी 11 कमेटियां बनी हैं, जिनका अलग अलग दायित्व है। दायित्व जो है इनका जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी सप्लाई को मेंटेन करना है, लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी टाइम से मिल जाए, उनके जो है माइग्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनके अलावा जो हमारे यहाँ के कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कैसे L1 में ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे हमारी सर्वेलेंस होनी है, किस तरीके से है, वो सारी टीमें हमारी एक्टिव हैं। इसके अलावा जो है सैनिटाइजेशन का काम हमारे पूरे जनपद में चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारे जिला जेल में जो हमारी जेल है उसमें एक सैनिटाइजिंग गैलरी बनाई गई है। उसमें बेसिकली इन लोगों ने अपनी खुद की कीमत से 1,00,000 के अंदर से ही उसको बनाया है, जिसमें आने जाने वाला जो हर व्यक्ति है वो सैनिटाइज हो जाएगा, उसके कपड़े भी सैनिटाइज हो जाएंगे उसी हिसाब से, और वो उसको अभी मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ, वीडियो भी, जिससे आपको लगेगा। इसको अभी हम कलेक्टेड में भी करवा रहे हैं ताकि कलेक्टेड के भी हर एंट्री गेट से सैनिटाइज गैलरी रहेगी, ताकि आगामी जो हमारा 1 या 2 महीना है जिसमें ये सब कोविड पेशेंट का है हमारा है, तो इसमें हम लोग उसको जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको सैनिटाइज करा सकेंगे। सर, L2 बनाने की भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है? हाँ, L2 भी बनाने की हम लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड का बनाया हुआ है, और इसको हम लोगों ने शासन को भेजा अप्रूवल के लिए, और जैसे ही आएगा हम इसमें भी कार्रवाई आएगी। सर, कितने स्कूलों को ले रहे हैं सर आप लोग क्वारंटाइन के लिए? सर, हमने जो है अभी लगभग जो है 12 स्कूलों को, कॉलेजेस को और अन्य जो हमारे छात्रावास है उनको लिया हुआ है, और वहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए पात्र हैं उनको डाला भी। हम लोगों ने भी सभी लोगों से अपील किया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो COVID-19 पॉजिटिव लग रहा है या बीमार है, वो अपने आप को हमारे कंट्रोल रूम पे बताए, हमारी टीम जाएगी। हम इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा खाना भी खिला रहे हैं, पानी भी कर रहे हैं और दवाई भी करा रहे हैं। हम बेसिकली हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि व्यक्ति भी स्वस्थ रहे और वो जो हमारा वायरस है कोरोना का वो कहीं और ना फैले, इसलिए हम उसको क्वारंटाइन भी करा रहे हैं और उसको चिकित्सा सुविधा भी दिला रहे हैं। हमारे जनपद में अभी तक कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया जहाँ पे खाने के लेके या पीने की व्यवस्था को लेके इश्यू हुआ हो। हमारे मजिस्ट्रेट 24 घंटे लगे हुए हैं, और अगर कहीं कोई इश्यू आता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई इशू नहीं है। ऐसी ही कुछ व्यवस्था मेयर सदर थाने के बाहर भी की गई। आइए लेते हैं जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव कपूर नाम है। क्या बॉक्स है ये? किस चीज का बॉक्स है ये? फ्रेम का तैयार किया गया है, पाइप का, सैनिटाइजेशन के लिए शीट लगाई गई है। इसमें ऊपर एक शावर का पैनल लगा के इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सैनिटाइजेशन केमिकल लगाया गया, ताकि कोई भी थाने में अंदर जाए तो सैनिटाइज होकर जाए, और उससे पहले बाहर हाथ भी सैनिटाइज कर ले। किस तरीके से काम कर रही है मशीन यहाँ पर? मशीन बढ़िया काम कर रही है, अभी आपके सामने ही है। इसमें आप जाएंगे कर रहे हैं, अभी इसका एक पॉइंट रह गया जो कि ब्लीप करने के बाद ये जलेगी। अभी इसे वक्ती तौर पे बिल्कुल लागू कर दिया गया था, और थोड़ी बहुत देर में इसको ये भी करा दिया जाएगा। और एक मशीन इसके थाने रेलवे रोड के लिए तैयार करा रहे हैं, एक थाना TP नगर के लिए तैयार करा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।